दोस्तों राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी सुनवाई के केसेस में से एक है। सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को चलते हुए 134 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों इसमें मुख्यतः तीन पक्षकार हैं, रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इसमें से सुन्नी वक्फ बोर्ड को पक्षकार बने हुए केवल 58 वर्ष हुए हैं और उससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई पक्षकार नहीं था इस विवाद में। अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद ये है कि वहां पर हिंदू पक्षकारों का कहना ये है कि उस पर्टिकुलर जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और वहां पर पहले एक विशाल मंदिर था जो कि हिस्टोरियंस के द्वारा भी अपनी बुक्स में बताया गया है। इसके अलावा उसको मंदिर को फिर तोड़ा गया और बाद में वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। इसके अगेंस्ट में मुस्लिम पक्षकारों का कहना यह है कि वहां पर पहले से ही मस्जिद है तो उस जगह को मस्जिद को दे दी जानी चाहिए, जिसके बाद में एक केस चला। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो 4 सिविल केसेस फाइल किए गए थे इस पर्टिकुलर जगह को लेकर के, जिसके बाद में वो केसेस जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अपना जजमेंट दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस पर्टिकुलर जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, जिसमें रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बराबर की हिस्सेदारी दे दी जाएगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटिशन फाइल की गई। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को चलते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले इस केस को मध्यस्थता मींस मीडिएशन के लिए रखा था, जिसमें सभी पक्षकारों को बैठकर आपस में बातचीत करके इस विवाद को सुलझाना था, ताकि सभी पक्षकार आपसी सहमति से ही इस विवाद को आसानी से सुलझा सकें और इसमें कोर्ट को कोई जजमेंट देने की जरूरत ना हो। लेकिन दोस्तों जब वो मध्यस्थता की गई तो उसमें कोई भी एक डिसीजन निकल के सामने नहीं आया कि एक पर्टिकुलर इस तरीके से इस जमीन को बांटा जाएगा और इस विवाद को इस तरीके से खत्म किया जाएगा। तो जब कोई भी समाधान नहीं हुआ मध्यस्थता में, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए डायरेक्शंस दिए कि इस केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होगी, मींस रेगुलरली होगी, जिसके बाद में इस केस की सुनवाई दोस्तों 40 दिन तक चली। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि किसी सर्वोच्च न्यायालय में किसी केस में सबसे लंबी सुनवाई में से ये सेकंड नंबर पर है। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे लंबी सुनवाई केशवानंद भारती केस में चली थी, जो कि 68 डेज तक हुई। और सेकंड नंबर पर है अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस, इसकी सुनवाई 40 दिन तक चली है। दोस्तों इसके अलावा थर्ड नंबर पर है आधार केस, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 38 डेज तक चली थी। तो दोस्तों इतनी लंबी सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अब इसका जजमेंट दिया जाएगा 17 नवंबर से पहले पहले, क्योंकि दोस्तों 17 नवंबर को इसमें CJI मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायरमेंट होगा, तो उनकी अध्यक्षता में ही इसकी सुनवाई हुई है, तो इसलिए उनकी रिटायरमेंट से पहले ही इस केस में जजमेंट दे दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी पक्षकारों के पास में 3 दिन का समय है और अगर 3 दिन में वो अपने कोई भी अदर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जो उनको लगता हो कि उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं किए हैं या फिर ये पक्ष भी उन्हें अपना रखना चाहिए, तो वो आर्ग्यूमेंट्स अब वो रिटर्न में दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वर्बली वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे। तो 3 दिन के समय के बाद में फिर कोई भी पक्षकार अपना कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस को लेकर के नहीं दे पाएगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह ही इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करने का आदेश देगा या फिर किसी एक पक्षकार को ये जमीन दे दी जाएगी। तो इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अपने क्या वर्डिक्ट रखता है, मींस किस आधार पर वो जजमेंट दिया गया था, तो उस आधार के बारे में मैं आपको उस वीडियो में जरूर बताऊंगा, ताकि आपको इस बात की जानकारी रहेगी कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। क्योंकि जब भी कोर्ट किसी केस में अपना जजमेंट देता है तो उसमें एक आधार बताया जाता है कि किस कारण से
कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूँ।